प्राचीन काल से ही मानव का आकर्षण केंद्र स्पेस रहा है, परंतु इसे बल 4 अक्टूबर 1957 में मिला जब अंतरिक्ष में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसका नाम स्पुतनिक 1 था, जिसे सोवियत संघ ने भेजा था। फिर इसी के 2 साल बाद सोवियत संघ ने एक मानव मिशन किया। साल 1961 में यूरी गैंगरिन पहले अंतरिक्ष में जाने वाले मानव बने। इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा भी की। यह पहला मानव निर्मित अंतरिक्षयान था। इस रेस में अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था। 16 जुलाई 1969 को वह ऐतिहासिक दिन था जब नासा द्वारा मून पर पहली बार इंसानों को भेजा गया और इंसानों ने अपना कदम रखा और नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री बने। नासा इतने से ही नहीं रुका, इसके बाद 6 और लगातार मून मिशन चांद पर भेजे गए। 2029 में इलॉन मस्क मंगल पर एक मानव निर्मित मिशन भेजने जा रहे हैं। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हम इंसान अंतरिक्ष पर इतने मिशंस क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है हमारे द्वारा इतना पैसा खर्च करने का? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति का जन्म होता है और वह व्यक्ति अपना जीवन काल जीकर अपने अंतिम पलों की ओर बढ़ता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। ठीक उसी तरह हमारे तारा यानी कि सूर्य का भी अंत होना लगभग तय है। इसी कारण इंसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतरिक्ष की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे हम अपने पृथ्वी की तरह ही दूसरा घर मानवों के लिए खोज सके। हमारी आकाशगंगा में दूसरी दुनिया के ऐसे शिप्स हो सकते हैं जिन्होंने इस विशाल कॉस्मिक जगत में यात्रा करने की हिम्मत जुटाई हो। शायद ये एक से दूसरे तारे तक जीवन की खोज में भटकते रहते हो, ताकि जीवन की ऐसी प्रॉपर्टीज को नजदीक से देख सके जिनका अंदाजा उन्हें भी नहीं है। यह वेसल एक ऐसे ही सर्वे मिशन पर है जो इस दुनिया का जायजा लेते हुए ये बताएगा कि क्या इस पर वाकई में जीवन पनप सकता है। भला कौन अंदाजा लगा सकता था कि पियोनिस और ईगल्स एक दिन इस सुराग से निकलते नजर आएंगे। 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में थी, तो इसके पास देने के लिए शायद कुछ ज्यादा नहीं था। आज वेनस भी कुछ ऐसा ही दिखता है। बीते दौर में शायद इस पर समुद्र भी हो, जमीन भी और शायद जीवन भी। ये पुराना युग वेनस का सुनहरा दौर था, तब ये रहने योग्य जोन में था। ये किसी भी दुनिया के लिए एक ऐसा दौर है जब इसके तारे से उसके संबंध का मतलब है कि ये न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा। ये किसी दुनिया के वजूद में एक ऐसा समय है जब उसमें जीवन पल और जिंदा रह सकता है, लेकिन रहने लायक जगह से जुड़ी खूबी एक अस्थाई चीज है जो किसी भी दुनिया में हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। हम अपने तारे के रहने लायक हिस्से में बसते हैं, लेकिन ये हर साल तकरीबन 1 मीटर की दर से बाहर की तरफ खिसक रहा है। पृथ्वी पहले से ही अपने रहने योग्य समय का 70% हिस्सा खत्म कर चुकी है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब भी यहाँ से निकलने के लिए और रणनीति बनाने के लिए और अमल में लाने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय बचा हुआ है। जब हम पर सूर्य की कृपा खत्म हो जाएगी और पृथ्वी रहने लायक जगह नहीं बचेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या तब हमारी प्रजाति आकाशगंगा के विशाल सागर में दूर दराज द्वीपों की तरफ सफर कर रही होगी? ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से राहत कहीं भी मुमकिन नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम कुछ करोड़ों साल तक छिपे रह सकते हैं। एक दिन ये सब कुछ कुदरत के उस कानून के आगे सिर झुका देगा जिसके तहत जन्म तबाही और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। हमारा ब्रह्मांड नई नई खूबसूरत चीजों को बनाता रहता है, उन्हें खत्म करता है और फिर उनके टुकड़ों से ही फिर नई चीजों को बना देता है। कोई भी प्रजाति किसी भी मुमकिन दुनिया में लंबे समय तक सही सलामत रहना चाहती है, तो उसे सीखना होगा कि कैसे इंटरप्लेनेटरी और इंटरस्टेलर मास यात्रा को अंजाम दिया जाए। हमें ये कैसे मालूम है कि ब्रह्मांड के बारे में हमने जितना थोड़ा बहुत जाना है, उस जानकारी से हमें भविष्य की झलक मिली? मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जिसमें इंसान की हरकतों की वजह से जलवायु में आए नए बदलाव से हमारी सिविलाइजेशन के लिए खतरा पैदा हुआ।
अगर हम इंसान लाखों करोड़ों साल या अरबों सालों तक जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही वायुमंडल में इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को झोंकना बंद कर देना होगा। लेकिन मैं मानव जाति को संदेह का लाभ देते हुए लंबे दौर की बात करूंगा। सूर्य की उम्र बढ़ रही है, बाकी हम सब की तरह किसी दिन इसके कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल का भंडार खत्म हो जाएगा। अब से 5 या 6 अरब साल बाद हाइड्रोजन फ्यूजन वाला हिस्सा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन का फैलता हुआ सेल धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ेगा। जब तक तापमान 1 करोड़ डिग्री से कम नहीं हो जाता, ये पहले एक एलो ड्रॉप बनेगा और उसके बाद एक रेड जायंट। वेनस और पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण घटेगा, जिससे ये दोनों कुछ समय के लिए एक सुरक्षित दूरी पर चले जाएंगे। आकार में फूल चुका ये विशाल लाल सूर्य फिर मरकरी प्लेनेट को समेट कर निकल जाएगा, रहने लायक इलाका बाहर की ओर बढ़ते हुए और दूर होता जाएगा। और ऐसा होने पर सूर्य के फैलने से पैदा हुई जबरदस्त रोशनी और गर्मी जुपिटर सिस्टम तक जा पहुंचेगी। अमोनिया और पानी के इसके बादल बच निकलते हुए वेपर की शक्ल में अंतरिक्ष में गुम हो जाएंगे और पहली बार जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल के नीचे छिपी अनजान परतें नजर आने लगेगी। क्या हम जुपिटर के इस जम चुके चंद्रमाओं में से किसी एक पर बस सकते हैं? यूरोपा और कैलिस्टो को घेरने वाली बर्फ की मोटी परतें पिघल जाएगी, जिससे नीचे मौजूद तरल सागरों तक सूरज की तेज रोशनी पहुंचेगी, जो अब से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इससे पानी के वेपर्स की बड़ी मात्रा रिहा होने पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू होगा। गैनीमेड का पतला वायुमंडल भाप वाला और घना होता जाएगा। अगर इन महासागरों में जीवन मौजूद होगा तो उनके पनपने और फलने फूलने की नई गुंजाइश पैदा हो जाएगी, और ऐसा होते ही गैनीमेड इन्हीं जीवों का हो जाएगा। और ये अच्छा भी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा अगला आशियाना सूरज से एक सुरक्षित दूरी पर हो। सौर विकास तो होगा ही, लेकिन हमारे पास नया घर ढूंढने से पहले 1 अरब साल का समय है। अपने नए संभावित घरों को ढूंढने के हिसाब से ये वक्त काफी है। ये है शनि। सूर्य ने इसके साथ यह क्या किया? सूर्य ने इसकी शानी चुरा ली, इसके रिंग्स और टाइटन। उसने शनि का एटमॉस्फियर ही चुरा लिया, मतलब यहाँ पर किसी दुनिया के होने की संभावना ही नहीं है। ये है नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन। इस दुनिया को रोमन गॉड नेपच्यून के बेटे के नाम से जाना जाता है। ग्रीक्स पहले इसे पोसाइडन के नाम से जानते थे, यानी समुद्र का देवता। पहले इस समुद्र को किसी ने नाम नहीं दिया था। इसका वजूद अभी अभी शुरू हुआ है, जब विशाल लाल सूर्य की गर्मी ने कभी जमे हुए इस चंद्रमा की अमोनिया गैस और बर्फ को पिघला दिया। हमारे दूर दराज वंशज हमसे अलग तरह का जीवन बिताएंगे। ट्राइटन का एक दिन 144 घंटे लंबा होगा और सर्दियां होगी बहुत ही बेरहम, 50 साल लंबी। फिर भी अब से कुछ अरब साल बाद का ट्राइटन हमारे लिए एक बड़ी आशियाना हो सकता है। यहाँ सब कुछ है, वायुमंडल, पानी के सागर और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो जीवन मुमकिन बनाएंगे। यहाँ बेशक सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन जनवरी में न्यूयॉर्क में पड़ने वाली सर्दी जितनी तीखी नहीं है। इसका मतलब पूरे साल यहाँ सर्दी हो सकेगी, लेकिन एक दिन सूर्य की गर्मी खत्म हो जाएगी और यहाँ भी रह सकने की गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। अपनी सारी गर्मी गवा देने के बाद सूर्य भी खाली हो जाएगा और अंदर से दिखाई पड़ेगा एक छोटा सफेद ड्रॉप। अब इस तारे में इतनी ऊर्जा भी नहीं बचेगी कि ये अपनी बाकी बची संतानों को गर्म रख सके, यानी बाहरी सौर मंडल के चंद्रमाओं को। तो अगर हम किसी नए घर पर कुछ करोड़ों साल से ज्यादा समय के लिए बसने की सोच रहे हैं, तो हमें और भी ज्यादा दूर सफर तय करना होगा। हमें अपना सौर मंडल छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस के बिना तली वाले विशाल समुद्र का सामना करना होगा। शायद आप यही सोच रहे हैं कि हम दूर दराज तारों की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हमने एक बार चंद्रमा की तरफ मुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम अपनी सुरक्षित पृथ्वी की तरफ लौट आए। हम तारों के किसी सफर के दौरान जिंदा बचे रह सकते हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है, जब इनमें से सबसे करीबी हमारे चंद्रमा से 10 करोड़ गुना ज्यादा दूर है? क्या वो अनजान वातावरण हमारे छोटे छोटे स्पेसशिप को तबाह नहीं कर देगा? शायद हम कामयाब हो सकते हैं, पर क्यों
क्योंकि हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हम आकाशगंगा के द्वीपों वाली दुनिया के बीच सफर करते हुए फोटॉन्स को अपने पाल में पकड़ने की सोच सकते हैं, हिम्मत करते हैं कि वहां तक जाए जहां से वापसी संभव न हो। दोस्तों, हम इंसानों के लिए अगले घर की तलाश हैबिटेबल जोन की इंटरस्टेलर यात्रा का यह पहला वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।